सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द नया और ब्लॉग में। कल भी इसे बोला था लेकिन नहीं हो पाया। मैंने जो ब्लॉग है ना कल जाना वाला था, देख चुका लेकिन बारिश की वजह से कैंसिल कर दिया। ये वाला ना कैमरा मेरे लिए ठीक है क्योंकि स्टेबिलिटी और जरा है ना, क्योंकि मेरा हाथ जरा कांपता है। सो मुझे ये लंजे भैया यहाँ छोड़ देंगे, आगे आगे क्योंकि ऐसे इधर तो घुसने का रास्ता है ना। हाँ। तो हम चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट मतलब कोई आला तक मिल लेना ना। हाँ। साथ में वेट करेंगे गाड़ी का। देखो ओ इसे जरा सफेद ही दिखाई दे रहे हैं। मुझे आधा रास्ता तो छोड़ने जाएगा और मैं चुका के लिए मैंने 3 दिन प्लान किया था, बारिश लगातार हो रहा था लेकिन फाइनली आज तो जितना दिन प्लान किया होता है मेरा ख्याल से ना। लेकिन ना आप क्या करो, मैं चुका 1 दिन घूम के ना मुझे और दूसरे को भी मतलब ऐसे रिकमेंडेशन मिल जाएगा बोलने में। हाँ मुझे, हाँ मुझे भी सबसे बेस्ट लगता है। जितना भी स्टेट है ना नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल सबसे सुंदर है, बाकी लोग ठीक ठाक है। यहाँ जो पहाड़ बहुत ही अलग होता है ना, अलग ही प्लस हो गया। बाकी जगह क्या प्रॉब्लम है, वहाँ डेवलपमेंट ज्यादा हो गया तो उसका वैसे ओरिजिनल ब्यूटी थोड़ा खत्म होते जा रहा है। हम लोग का यहाँ डेवलपमेंट अभी तक कुछ कुछ जगह में उतना नहीं है, पर रियल वाला ऑथेंटिक वाला जगह अरुणाचल में तो वो चीज हमको अच्छा लगता है। इसलिए हमको नेपाल भी अच्छा लगता है। नेपाल भी सेम टाइप है ना इस टाइप का। फ्लोटिंग क्लाउड बहुत सुंदर लगता है मुझे वाला, जो सफेद सफेद वाला ना। अरे मतलब हाड़ी नहीं था, मतलब एक कैमरा पकड़ कर रखा है, वो पकड़ कर रखा है। तो यार गुड मॉर्निंग, ऐसे मौसम में किसे जाएगा। हम मैं चुका एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं कल रात इधर पहुँचते पहुँचते रात हो गया था एंड फिर होटल ढूंढने में बिजी हो गया एंड फिर सो गया, तो उसके बाद से वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया। थोड़ा सा ही मैंने वीडियो क्लिक किया था एंड आज सोच रही हूँ मैं कुछ मैचों को निकल जाने के लिए एंड बारिश की वजह से फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे ख्याल से। दिखा दीजिए आगे तरफ ना, तो ऐसे खुश थी ना अभी अमरा। सो मेरा सब पहली बार हुआ कि मैं बारिश के चक्कर में फंस गया 4 दिन। मेरा जितना भी ट्रिप रहा उसमें बारिश नहीं हो रहा था, लेकिन ये वो मैचों का ट्रिप तो अलग से ओलोकी निकला है मेरे साथ। मैं आज मैच को नहीं जाएगा, इस आस पास में जो गांव है आलो ट्राइब का वही एक्सप्लोर करने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि घरेलू जाना मेरा लिए मतलब इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा ये वाला एरिया को। तो मैं कोशिश करूँगा आस पास के गांव में जाके एक्सप्लोर करेगा एंड नेक्स्ट डे में मैच को निकल जाएगा। सो गुड मॉर्निंग एंड इसके साथ में अभी गालो ट्राइब ना, अब गालो ट्राइब का जो घर देखने के लिए जाएगा मैं। भाई साहब दोनों घूमेगा क्या है? हाँ दोनों घूमेगा क्या है, आपके लिए मदद करेगा। तो मैंने एक अंकल को ऐसे लोकेशन पूछ रहा था एंड मेचुको जाने का था मेरा प्लान, लेकिन मैंने वो क्या कर दिया, ये गालो का ट्राइब कर भी एक्सप्लोर करके जाएगा सोच रहा था। अगर जाना हो तो मिल जाएगा मेरे ख्याल से मेचुको भी, लेकिन कल कोशिश करेगा उसके लिए। तो आज गालो ट्राइब का जो घर है और है ना कैसे रहते वो उसको एक्सप्लोर करके जाएगा एंड अंकल को थोड़ा पहले मिलाया था एंड बाद में ढंग से इंट्रोड्यूस करा दूंगा उसका घर पहुंचने के बाद। तोलो बे हाना मन हामेन का तो बोलो बे नाम इमेन का तो पब्लिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट 1961
और बहुत पुराना हो गया पुराना। हाँ हुआ था ये। ये सब इसका बांगो स्कूल है ये पोबदू बांगो बेना पाया ये स्कूल है। यहाँ इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई इंग्लिश से वन से लेके ये तो ये अभी नाइन तक अभी बहुत ही बढ़िया। मतलब आज का मौसम मतलब है ना वो सफेद सफेद वाला बहुत ज्यादा है बारिश की वजह से। कुहासा ना क्या बोलते हैं उसको ये पानी ये बारिश का वजह से हाँ हाँ पील में जमा रहता है। और हर जगह वो एक बहुत सुंदर है। यहाँ पहाड़ का वजह से ज्यादा बारिश होता है हर महीना में मैक्सिमम एक साल में 6 महीना ज्यादा बारिश ही होता है। ये अक्टूबर होने के बाद खत्म हो जाएगा ऐसा लगता है। नवंबर से अच्छा ये हो जाएगा। तो अंकल मुझे ये वाला नया ब्रिज जो बन रहे है ना उसको दिखाने के लिए आ रहा था तो अभी दिखा देते हो आप लोग को। नदी बहुत ही बड़ा है। ये नदी कौन सा बोला था? योंगो रिवर। ये मेक्सिको से आने वाला मेक्सिको से आके इंडिया का अंदर में है। इंडिया के इंडिया से आता है ना ये वाला नदी बोलता है तांचको बोलता है इंडिया का अंदर माउंटेन में से आता है। चाइना से आने वाला वो योंगो सियांग रिवर सियांग ना ये अपना इंडिया का अंदर है अरुणाचल अंदर से पानी निकलता है। फिर बहुत ज्यादा बड़ा है नदी ये महीना में बहुत बारिश रहता है पानी बहुत बड़ा होता है। तो देख लेता हूँ इधर का नया ब्रिज कैसे बनेगा। अब यहाँ से ओहो बहुत बढ़िया था। ओ वहाँ तो कैसे हो गया पानी इसे घूम रही है ना जैसा लग रहा है रोटी है ना। अब यहाँ से बनेगा ब्रिज यहाँ में पहुँचे तो यहाँ के जाएगा ये पार करेगा। अभी तो गाड़ी वगैरह जा सकेगा इधर अभी भी गाड़ी जा सकेगा सब सामान दे दिया है। वो देखो हैंगिंग ब्रिज है यहाँ से बाइक लेके आना जाना पड़ता है। ओ बाइक बाइक चल के जाना पड़ता है जाने से मना है। ये नदी तो बहुत खतरनाक लगा मुझे तो हरीक से। ये योंगो रिवर है बहुत बढ़िया बड़े बड़े मछली रहता है यहाँ में पकड़ते हैं लोग लाइट जला के आता है। ये रुकेगा इधर ना अभी ये रुकेगा उसको पहले जाना देगा उसके बाद आएगा। ये पानी तो उधर भी रोटेट होता है ना ऐसे उधर में पूरा ये लकड़ी जो जमा रहता है उसको आदमी लोग ले जाता है चलाने के लिए उधर में। हाँ ऐसे रोटेट करता है रोटेट पानी देखो घूम 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 के। हाँ ये इतना बड़ा काई है देखो तो ये में जब पानी सोता होगा तो नहाता है उधर वो किनारे में बली एरिया है उस साइड पर है ना किनारे किनारे में नहाता है उधर बहुत मजा रहता है। उधर में आर्मी लोग भी आके पिकनिक का लेते हैं ऑफिसर्स आलों का जितना बड़े बड़े लोग आके नहाता है। ठीक है यहाँ से निकल जाता हूँ मैं। बहुत ही खतरनाक है रे ये ठंडा सीजन में पानी साफ रहता होगा ना। ठंडा सीजन में पानी साफ रहता होगा साफ रहता है पीने का बहुत लायक भी बनता है। अभी बारिश का वजह से गंदा होता है समय में और रोड कंस्ट्रक्शन होता है ना उधर से पानी आता है बोल के होगा शायद रोड कंस्ट्रक्शन में भी आता है जो कहीं से और ये जैसे कम्बम से आता है कम्बू से आता है वो देखो घूम के। ये जो रास्ता है वो उधर गांव जाने के लिए शायद यार को बहुत ही ज़्यादा बड़ा है जो उसमें तो लापांग टाइप होता है ना मतलब जो आपटानी का तो ये लापांग मीटिंग जो करते हैं ये आंगनवाड़ी सेंटर। आपका जैसा ही आपका ही गोल
सो फाइनली पहुंच गए अंकल के घर। सो गलो ट्राइब का घर अभी पहले बार तो आग जल गई है हम लोग का। इधर आज तो इधर ही बहने लगी है, जैसा लगता है बारिश लगातार दे रही है। पता नहीं क्यों बहुत ठंडा लगता है। हाँ बहुत ठंडा मतलब अरुणाचल में ज्यादातर इस टाइप का ही किचन होता है ना सबका भी, मतलब ऐसे बीच में आग जलाने के लिए होता है। हम लोग होने से मतलब ऐसे साइड में वो होता है ज्यादातर। असम में तो फिर निकल जाते हम लोग औरंग ऊपर मैंने पैर रख दिया गाय का वो समय में कुछ का मजा ये होता है। अच्छा। खाने पीने का मिल जाता है। तो बढ़िया लोकेशन है ये देखो, ये गांव और अंकल का घर ये वाला था। अबे नया बन रही है वो, जहरे लोकेशन देखो। और ये है अंकल जी का दुकान। एक छोटा सा दुकान घूमना है कि नहीं? हाँ इतना क्या है कि नहीं? हाँ हाँ आपको बहुत मैचिंग है ना। हाँ है कि नहीं? हाँ हाँ आपको मैचिंग है बोल के आपको ही मिला था। हाँ अभी ऐसा ट्राई मारेगा मछली मिलेगा कि नहीं? पूरा पानी में मछली मार के सकता हूँ। हाँ हाँ मिलेगी नहीं मिलेगा पवन के दुआ से। पानी इतना पानी पूरा पानी में मछली मिलेगी नहीं मिलेगा इतना बड़ा पानी है। हाँ लेकिन ट्राई करता हूँ यार। देखो पानी का उसको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, क्योंकि जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा है ना। पानी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है रे। चलो बोला वो शायद लग गया। हाँ ओहो एक तो लग गया। हाँ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे कैसे गसिया गसे 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 ये गसे बोलता है बहुत छोटा है साला थोड़ा मिलना था। दूसरी जगह में मिलेगा शायद। बारिश बहुत दे रही है फिर भी मछली मिलेगा कि नहीं पता नहीं। देखिए लास्ट तक देखना वो रिक्स है रे। वो अंकल मेरे लिए इतना रिक्स उठा रही है पता नहीं, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। नहीं मिला ना ये देखो न्यू ब्रांड न्यू ब्रिज अभी तक खुला है, मतलब वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ना इसका। एक आप 2020 में जो हो जाएगा 2020 में और 2023 में हो जाएगा ना ये महीना में खत्म होगा। ये महीना में अक्टूबर में खत्म होगा। हाँ अक्टूबर ये में फर्स्ट में खत्म होगा। रेलिंग गलत हो गया। हाँ रिवर, ओ पहले तो उधर से जाता था ना लास्ट ब्रिज वही खतरनाक था लेकिन खेती वगैरह जाने के लिए ना अभी बंद हो गया। अभी तो ये नया अभी तो आराम से गाड़ी भी लेके जाएगा बड़ा गाड़ी भी।
अभी वो गाड़ी जा नहीं सके ना, तो ये काम करने वाला लोग मैंने होगा, मैंने वो उधर से नीचे ब्रिज क्यों खींचे हुए हैं लगा लो कसी सालो तू मिलता तो ये ओ ये पूरा ही कम ये तो हो गया दो मुफ्ती जा दो बे लगा लो कभी सालो ये मिलता तो यार बारिश बहुत इज्जत दे दिया पता नहीं केटी में पहुंच गया, वैसे मछली पकड़ने के लिए आया था, ज़्यादा वो बारिश दे दिया एंड ये जो वो जंगल जी है ना उसका केटी में आ गया एंड वो अभी केटी में जो पानी ज़्यादा आ गया उसको छोड़ने के लिए जा रही हूँ एंड केटी का जो घर इस तरह कुछ होता है बहुत बढ़िया है, ऊँचा है, इधर भी इसी तरह बनाना चाहिए, बहुत अच्छा लगा क्योंकि पानी भी घुस नहीं रहा है, आराम से बैठ सकेगा, गीला वीला कुछ नहीं है। तो खेती का सीन मैं दिखा देता हूँ अभी उन लोग का, ये टेरिस फार्मिंग टाइप है, पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। कल से तो मुझे शायद वीडियो अपलोड करने नहीं मिलेगा क्योंकि बारिश ना बारिश नहीं बोलते उसको, मैं जहाँ नेरो नहीं होगा उधर चला जाएगा, खास इधर नेरो को हो जाता अभी, चेक करता हूँ इधर ये वाला पोस्टिंग में मसूरा है एयरटेल का। तो अभी हम लोग फिर से घर के अंदर पहुँच गए हैं एंड बस एक ही मछली मिला है, देखो इतना अनलकी है हम लोग का तो बारिश में गया फिर भी छोटा सा मछली ही मिला, ज़्यादा खरेन ज़्यादा हो गया था एंड कुछ सब्जी अभी मदद कर दूँगा सब्जी बना के खाना पड़ेगा, मछली नहीं मिला है कि नहीं, हाँ इसी से इसी के सारे चलाना पड़ेगा सहारा इसी से मिलेगा। तो गुड इवनिंग गाइस एंड लगभग 7 बजने वाला है एंड लोग देखो सांप का ऊपर है मकई बढ़िया है, मजे से खाए हूँ मैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होने से प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब पॉजिटिव पॉइंट्स पता के नहीं लिखेगा। गुड बाय।